नमस्कार, मैं हूं कपिल मिश्रा और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश हॉट सीट में। हॉट सीट में हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की उन हाई प्रोफाइल सीटों पर चर्चा करेंगे जिन पर पूरे देश और प्रदेश की नजरें टिकी हुई हैं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की नरसिंहपुर हॉट सीट की। नरसिंहपुर विधानसभा सीट पर पिछले चार चुनावों को देखें तो पलड़ा भाजपा का ही भारी है। 2018 के चुनाव में भाजपा के जालम सिंह पटेल 51% वोट हासिल करके विजयी हुए। उनको 87,837 वोट मिले थे। वहीं उनके मुख्य प्रतिद्वंदी कांग्रेस के लाखन सिंह पटेल को 42% वोट मिले थे और जीत का अंतर 14,903 वोटों का था। सबसे पहले आपको बताते हैं नरसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के इतिहास पर, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट के माध्यम से। नरसिंहपुर जिले में चार विधानसभा क्षेत्र हैं। 2018 में कांग्रेस को 3 और बीजेपी को 1 सीट मिली थी। इस बार बीजेपी ने प्रहलाद पटेल को प्रत्याशी बनाकर पूरे जिले की सियासत को साधने का प्रयास किया है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस विधानसभा क्षेत्र में किसका कब्जा रहा। नरसिंहपुर विधानसभा सीट 2018 में बीजेपी ने दर्ज की जीत। 2018 में बीजेपी के जालम सिंह जीते चुनाव। 2018 में कांग्रेस के लखन सिंह पटेल हारे चुनाव। 2018 में बीजेपी 15,000 से ज्यादा वोट से जीती। 2013 में बीजेपी ने दर्ज की जीत। 2013 में बीजेपी के जालम सिंह बने विधायक। 2013 में कांग्रेस दूसरे स्थान पर। 2013 में करीब 48,000 वोट से हारी। 2008 में कांग्रेस ने जीता था चुनाव। कांग्रेस के सुनील जायसवाल जीते चुनाव। 2008 में बीजेपी रही दूसरे स्थान पर। 2003 में बीजेपी ने दर्ज की जीत। 2003 में बीजेपी के जालम सिंह जीते थे चुनाव। 2003 में बीजेपी को मिले थे 59,793 वोट। 2003 में कांग्रेस हारी थी चुनाव। 2003 में कांग्रेस के अजय नारायण हारे थे चुनाव। बीजेपी 16,000 से ज्यादा वोट से जीती थी। आनिश न्यूज के लिए नरसिंहपुर से संजय साहू की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश का नरसिंहपुर जिला प्रदेश की राजनीति के मामले में बेहद खास जिला है। जिले के तहत चार विधानसभा सीटें आती है जिसमें नरसिंहपुर विधानसभा सीट भी शामिल है। इस बार वीवीआईपी बनी सीट पर बीजेपी के जालम सिंह पटेल विधायक है। साथ ही बीजेपी की ओर से जारी की गई दूसरी लिस्ट में नरसिंहपुर सीट से पार्टी ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल को टिकट दिया है, जिससे यहां पर चुनाव बेहद रोमांचक हो गया है। देखिए हमारी इस रिपोर्ट के माध्यम से। नरसिंहपुर जिले से दो सांसद आते हैं, एक लोकसभा सांसद राव उदय प्रताप सिंह जो नर्मदापुरम लोकसभा सीट से सांसद है और दूसरे कैलाश सोनी जो राज्यसभा सांसद हैं। जिले में चार विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें नरसिंहपुर विधानसभा सीट भी शामिल है। इस सीट की बात करें तो यहां अभी वर्तमान विधायक जालम सिंह पटेल हैं, जो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के छोटे भाई हैं। नरसिंहपुर विधानसभा सीट जिले की बहुत ही चर्चित विधानसभा सीट है, क्योंकि 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में नरसिंहपुर जिले में सिर्फ इसी सीट पर बीजेपी से जालम सिंह पटेल उर्फ मुन्ना को जीत नसीब हुई थी। बाकी 3 सीटों पर पार्टी को हार मिली तथा कांग्रेस की जीत हुई थी। जालम सिंह पटेल सर्वाधिक मतों से कांग्रेस के लाखन सिंह पटेल को चुनाव में हराकर विधायक बने थे, जो आज नरसिंहपुर विधानसभा सीट से वर्तमान में विधायक हैं। इस सीट से जालम सिंह पटेल लगातार 2 बार चुनाव जीत चुके हैं। इस बार प्रहलाद पटेल को पार्टी ने यहां पर मौका दिया है। मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट माने जाने वाली नरसिंहपुर विधानसभा के हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री और वहां के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के प्रहलाद सिंह पटेल। हम उनसे चर्चा करेंगे और जानने के भी किस प्रकार के समीकरण आप देख पा रहे हैं, चूंकि 4 बार के आप लगातार सांसद हैं, अब विधानसभा का चुनाव। ये बहुत सामान्य बात है, दायित्व तो पार्टी तय करती है। अगर मैं कहूं कि 4 लोकसभा क्षेत्रों से मैं लड़ा हूं, तो पार्टी ने कहा कि यहां से लड़ना है तो लड़ना, आपको अपना विचार के लिए काम करना, पार्टी का काम करना, ईमानदारी के साथ में कार्यकर्ता और जनता के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना। भूमिका कहां होती है?
जो लोग अपने आप को जातिवाद में क्षेत्रवाद में बांध के रखते हैं, ये चुनौती उनके सामने है। मेरे और भारतीय जनता पार्टी के सामने ये चुनौती नहीं है। और मैं खुश हूं जब मैंने अपनी प्रसन्नता जाहिर की है तो फर्जी नहीं है, सही है कि मैं अपनी जन्मभूमि में और अपने जहां से मैंने दलीय राजनीति की शुरुआत की वहां पर मैं वापस गया हूं, तो ये मेरे लिए बड़ी बात है। नरसिंहपुर की धरती ने हमको वो सामर्थ्य दी कि हम उस डोर से बंधकर राज्य और केंद्र तक जा सके, और इसलिए मुझे लगता है कि वहां पर लौट कर जाना, उनके बीच रहना, काम करना, सेवा का अवसर मिला है सेवा करना, मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं। और नरसिंहपुर की सीट चूंकि मुन्ना भैया की सीट है, उनकी जो काम करने की शैली है उसकी जब मैं तारीफ सुनता हूं तो गौरवान्वित होता हूं। बात करें नरसिंहपुर विधानसभा का, आप नरसिंहपुर से लड़ रहे हैं, पार्टी आपका उपयोग पूरे प्रदेश में कर रही है, कितना समय दे पाएंगे आप? नहीं, जो प्रदेश के पार्टी के कामकाज हैं उससे जो बचा हुआ समय होगा वो नरसिंहपुर में जाएगा। नरसिंहपुर में जो लोग हैं और जो मुन्ना भैया हैं, उनकी टीम है, पार्टी का संगठन है, तीनों लोग ऐसे हैं, मतलब जनता, कार्यकर्ता, मुन्ना भैया, ये सब को मिलाकर अगर मैं कहता हूं तो मुझे ज्यादा समय देने की जरूरत मुझे लगता पड़ेगी नहीं। एक बात और है, प्रियंका जी अभी बोल के गई हैं कि हम 500 से लेकर 1500 रुपए देंगे, स्टूडेंटों को देंगे, ये चुनावी घोषणाएं जिस प्रकार से होती हैं, क्या लगता है आपको कितना कारगर रहेंगी? देखिए, कांग्रेस का चरित्र रहा है भय की राजनीति, लालच की राजनीति, बंटवारे की राजनीति, और हमारी मूलभूत सनातन परंपराओं से वो सदैव बसते रहे। गांधी राम धुन करते करते दुनिया से चले गए, लेकिन उनके अनुयायी कहे जाने वाले लोग उस नाम से परहेज करते रहे। ये चुनावी हिंदू हैं, ये बंटवारे की राजनीति करते हैं, जब अपनी जात नहीं बता पाते, अपना धर्म नहीं बता पाते, वो पिछड़ों के गिनती की बात करते हैं, जिनका आप नाम ले रहे हैं वो भी उसमें शामिल है। और झूठ बोलने की कोई सीमा होती है? भोले भाले लोगों के बीच में जाके कहना मनरेगा बंद कर दी, आपका अधिकार छीन लिया, फलाना कर, ऐसी सरासर झूठी बातें करने की जो आदत है, ये भ्रम फैलाने की जो कोशिश है या तरीका है कांग्रेस का, ये इसी को जनता पहचान गई है और जवाब देगी जनता। वहीं कांग्रेस ने इस विधानसभा को लेकर कई दिनों तक मंथन कर प्रत्याशी का चयन किया है। कांग्रेस के प्रत्याशी विधानसभा क्षेत्र को कठिन तो मान रहे हैं, लेकिन उनको उम्मीद है कि इस बार केंद्रीय मंत्री को क्षेत्र की जनता चुनाव हराएगी। हाई प्रोफाइल सीट नरसिंहपुर की, जहां से वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल को मैदान में उतारा है, वहीं उनके विपक्ष में कांग्रेस ने एक बार फिर लाखन सिंह पटेल को तरजीह दी है और उनको अपना प्रत्याशी बनाया। हमारे साथ लाखन सिंह पटेल मौजूद हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। भाई साहब, इस बार पुनः आपके ऊपर पार्टी ने विश्वास जताया है, क्या लगता है? देखिए, मैं पिछले पंचवर्षीय मैंने 5 साल तैयारी की और तैयारी करने के बाद मैं चुनाव माननीय विधायक जालम सिंह जी से हारा, पर मैंने हारने के बाद एक महीना सिर्फ घर पे बैठा, उसके बाद मैंने फिर तैयारी चालू की। मैं 5 साल लगातार क्षेत्र में जनता के बीच में रहा, जनता के दुख सुखों में रहा, उनके आना जाना, क्षेत्र में उनके काम कराना, ये जनता के बीच में मैंने लगातार जो है आना जाना रखा। और जब मैं जनता के बीच में रहा तो जनता का मानना है कि भाजपा की महंगाई, युवाओं युवा बेरोजगार है, भ्रष्टाचार चरम पे है, घोटाला पे घोटाला हो रहा है सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, किसान परेशान है, किसान की स्थिति बहुत दयनीय है, ये सारे मुद्दे हैं कि आज जनता चाह रही है परिवर्तन। और 15 साल का जालम सिंह जी माननीय विधायक जी का कार्यकाल, उनसे भी जनता ऊब चुकी है, अब वो चाह रही है जनता एक बार के परिवर्तन। कांग्रेस की सरकार आए, माननीय कमलनाथ जी ने 15 महीना की सरकार में कर्ज माफी हो, चाहे 300-600 पेंशन हो, 100 यूनिट बिजली 100 रुपये में, और 28,000 की जगह पे 51,000 रुपये कन्यादान योजना में, तो बहुत से जनहित ऐसी काम किए हैं, वो काम पूरे नहीं हो पाए थे, कर्ज माफी आदि हो पाई थी, 27 लाख किसानों की कर्ज माफी हुई, पर किसानों के मन में एक ललक रह गई कि एक बार कांग्रेस सरकार फिर बनाना है। तो पूरे प्रदेश में कांग्रेस का माहौल बना हुआ है, कांग्रेस सरकार लाने के लिए भाजपा की सरकार को बदलना चाह रही जनता, और जनता एक जो है एक माहौल बन गया है
की नरसिंहपुर विधानसभा की हम बात कर रहे हैं। नरसिंहपुर विधानसभा में केंद्रीय मंत्री जो हैं प्रहलाद सिंह पटेल, उनको मैदान में उतारा है, उनके अनुज जो रहे हैं जालम सिंह की जगह। हाँ, माननीय प्रहलाद पटेल जी जो हैं भाजपा से प्रत्याशी हैं। माननीय प्रहलाद पटेल 10 साल सिवनी सांसद रहे, 5 साल बालाघाट सांसद रहे, छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी के सामने चुनाव हारे, उसके बाद 10 साल दमोह सांसद रहे। ये बताएं माननीय प्रहलाद पटेल जी कि आपने इन संसदीय क्षेत्रों में कोई ऐसे विशेष बड़े कोई विकास के काम कराए? लोगों के काम नहीं कराते, लोगों के क्षेत्र में कोई विकास नहीं किया। 5-10 साल बाद ये क्षेत्र बदलते हैं, क्योंकि क्या है, लोगों से मिलना नहीं, वहां पर विरोध बन जाता है, हारने की स्थिति में क्षेत्र छोड़ते हैं, ये पलायन कर जाते हैं। आज देखें आप, 15 साल से आपके भाई नरसिंहपुर विधानसभा में विधायक हैं, आप हर बार चुनाव जिताने के लिए कहीं ना कहीं उनकी जो है 1 महीने के लिए आते हैं और क्षेत्र में बड़े बड़े लोगों को साधते हैं और क्षेत्रीय जनता को अच्छे अच्छे लच्छेदार भाषण दे के जनता को लुभाते हैं। पर आप बताइए, आपकी गृह, आपका गृह जिला है, आपकी मातृभूमि है, क्या आपका कर्तव्य नहीं बनता कि आपकी जो है मातृभूमि का कर्ज उतारने का आपका कर्तव्य था कि नरसिंहपुर जिले के लिए आप जो है 2 बार पहले आप जो है कोयला मंत्री, उसके बाद आप रहे पर्यटन मंत्री, और अब आप जो है खाद्य प्रसंस्करण मंत्री के साथ साथ जल शक्ति मंत्री हैं। पर आपने इस जिले के लिए, इस विधानसभा के लिए क्या उपलब्धि दी? नरसिंहपुर विधानसभा सीट के राजनीतिक इतिहास पर नजर डाली जाए तो 2013 के चुनाव में भी बीजेपी के जालम सिंह पटेल ने जीत हासिल की थी। उन्होंने कांग्रेस के तात्कालिक विधायक सुनील जायसवाल को हराया था। 2008 के चुनाव में कांग्रेस के सुनील जायसवाल ने बीजेपी को हराकर चुनाव में जीत हासिल की थी। 2003 में यह सीट बीजेपी के पास थी। 1998 में यह सीट बहुजन समाज पार्टी के पास थी, जबकि 1993 की बात करें तो यह सीट कांग्रेस के पास थी, तो 1990 में बीजेपी ने यहाँ पर जीत हासिल की थी। आइनिश न्यूज के लिए नरसिंहपुर से संजय साहू की रिपोर्ट। 2018 के चुनाव में जालम सिंह पटेल को 87,837 वोट मिले तो कांग्रेस के लाखन सिंह पटेल को 72,934 वोट मिले। जालम सिंह ने 14,903 मतों से अंतर से यह जीत हासिल की है। नरसिंहपुर विधानसभा सीट से पहले मध्य प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री अजय नारायण मिश्रा इसी सीट से जीतकर राज्य मंत्री बने थे। नरसिंहपुर विधानसभा सीट पर पिछले 4 चुनावों को देखें तो पलड़ा भाजपा का ही भारी है। 2018 के चुनाव में भाजपा के जालम सिंह पटेल 51.00% वोट हासिल करके विजयी हुए। उनको 87,837 वोट मिले थे। वहीं उनके मुख्य प्रतिद्वंदी कांग्रेस के लाखन सिंह पटेल को 42.00% वोट मिले और जीत का अंतर 14,903 वोटों का था। वहीं 2013 के चुनाव में जालम सिंह पटेल ने 48,481 वोटों से बड़े अंतर से जीत हासिल करते हुए भाजपा के लिए सीट बरकरार रखी। हालांकि इससे पहले 2008 में कांग्रेस से चुनाव लड़ते हुए सुशील जायसवाल ने ये सीट जीत ली थी। हम आपको बताते हैं नरसिंहपुर विधानसभा के वोटरों की संख्या के बारे में। कुल मतदाताओं की संख्या 2,26,583, पुरुष वोटर्स की संख्या 1,16,447, महिला वोटर्स की संख्या 1,10,129, लोधी वोटरों की संख्या सबसे ज्यादा। आइनिश न्यूज के लिए नरसिंहपुर से संजय साहू की रिपोर्ट। तो आज हमने बात की है नरसिंहपुर विधानसभा की हॉट सीट की। अगले एपिसोड में किसी नई विधानसभा की हॉट सीट से आपको रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।